inter-university body, which is about 95 years old. And right now we have about 770 members, 770 member universities हैं हमारे हमारे देश में. इस समय 993 universities हैं, उसमें से 770 universities AIU की member हैं. And AIU का main काम है कि it is a inter-university body, means कि जो भी universities के issues कोई भी हो higher education से related, वो सरकार तक पहुंचाने कि हाँ universities को ये issues face करें higher education में. प्लस पॉलिसी प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, कोई भी पॉलिसी हायर एजुकेशन की हो उसमें AIU की भागीदारी ज़रूर रहती है. इसके अलावा अगर सरकार को भी कोई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी हो यूनिवर्सिटीज़ को, तो AIU उनके लिए एक अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकते हैं. इसके अलावा AIU बहुत सारी स्पोर्ट्स मीट कराते हैं, और जैसे कि इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मीट, जोनल स्पोर्ट्स मीट, नेशनल स्पोर्ट्स मीट. और इस बारी पहली बार AIU ने बिड किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी तक कोई इवेंट यहाँ पे हुआ नहीं था, कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का कोई इवेंट इंडिया में हो. इसी तरह एशियन यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए बिड किया है. और अभी तक हम आपने देखा होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता था, इस बारी पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे एक ही जगह पे, कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में, जो कि AIU उसको मैनेज करेगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. इसी तरह जो कल्चरल एक्टिविटीज़, यूथ एक्टिविटीज़ हैं, वो भी AIU कराते हैं जोनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे. और इस बार पहली बार हमने इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल किया जिसमें 21 देशों ने भाग लिया था. ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था, जहाँ 21 देशों ने भाग लिया था. ये जो कॉन्फ्रेंस है जो जम्मू में हम करने जा रहे हैं, ये नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस है. हम AIU हर साल 5 जोनल और 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, और इस बारी हमने ये सोचा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका थीम होगा री इमेजिनिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़. हमें ये लगता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, जिससे कि वो फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटीज़ बन पाएँ. जो हमारे बच्चे हैं, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जिसमें हमारा इंडिया सबसे यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, हम ये चाहते हैं कि इंडिया का जो डेमोग्राफी है, इट शुड ब्रिंग ए डिविडेंड टू इट रादर देन इट बिकमिंग ए डिज़ास्टर. तो इसीलिए री इमेजिनिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का थीम है, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में होगा. तो एज ए रन अप टू दैट नेशनल थीम हमने 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेस किए हैं. जो आज की जम्मू में कॉन्फ्रेंस कल परसों होने वाली है, उसका थीम है स्किल एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि कैसे स्किल बढ़ाई जाए हमारे बच्चों में. क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि हमारे बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनका एम्प्लॉयबिलिटी रेट कम है. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलग बात है, एम्प्लॉयबल ना होना ये अलग बात है. तो हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी हमारे ग्रेजुएट्स की बढ़े. इसके लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस का थीम ही ये रखा है कि कैसे स्किल एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट की जाए. और स्किल एजुकेशन में इसके फर्दर 3 सब थीम्स हैं. एक तो कैसे फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट की जाए, कैसे इंटरनेशनल मॉडल्स को अडॉप्ट किया जाए, और तीसरा कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंजेस चाहिए जिससे कि स्किल एजुकेशन आगे बढ़ पाए. फॉर एग्जांपल अभी तक ये हो रहा है कि स्किल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अलग अलग दो मिनिस्ट्रीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं. मुझे लगता है आने वाले समय में स्किल एजुकेशन को HRD के साथ क्लब करके इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ही हैं जो स्किल एजुकेशन देके बच्चों को एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बना सकते हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखा जाएगा कि पूरी दुनिया में किस किस तरह के ट्रेंड्स हैं फॉर इम्पार्टिंग स्किल एजुकेशन, और गवर्नमेंट के लेवल पर क्या क्या चेंजेस चाहिए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस चाहिए जिससे कि स्किल एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके. माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में कल हमारा कॉन्फ्रेंस होगा 16 एंड 17 को, ऑन स्किल एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. स्किल एजुकेशन इसलिए कि कैसे स्किल एजुकेशन देके जो हमारे यूथ हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जा सके, और एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए कि हमारे बच्चे सिर्फ जॉब सीकर्स ही ना हो, जॉब गिवर्स भी हो, जॉब प्रोड्यूसर्स भी हो, तो कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जॉब्स को बढ़ा सकते हैं. तो इस कॉन्फ्रेंस में हम 2-3 चीज़ें हमारी मेन थीम्स रहेंगी. एक तो ये कि कैसे फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट की जाए, फ्यूचर रेडी ग्रेजुएट्स क्रिएट किए जाए, क्योंकि आने वाले समय में जो स्किल बच्चों को चाहिए होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो आज के स्किल सेट से बहुत डिफरेंट होगी.
तो कैसे इस तरह के बच्चे तैयार किए जाएं जो कि फ्यूचर रेडी बच्चे हों, कैसे इंटरनेशनल मॉडल्स को देखा जाए कि इंटरनेशनली क्या क्या स्किल में किया जाता है, और तीसरा ये देखा जाए कि अगर गवर्नेंस में सरकार की तरफ से कोई मैनेजमेंट के, गवर्नेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन के कोई चेंजेस चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, तो वो क्या होने चाहिए जिससे कि स्किल एजुकेशन को बढ़ावा मिले।